हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज करते हुए हम किसी भी सैंपल से या स्पेसिमेंट से माइक्रोऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से हटा सकते हैं, किल कर सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से स्टेरिलाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं डेफिनेशन की। सो डेफिनेशन कहता है कि इट इज एन एब्सोल्यूट प्रोसेस इन विच वी किल ऑल काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। इस डेफिनेशन में ये जो वर्ड हमने यूज किया है एब्सोल्यूट, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसको डेफिनेशन में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एब्सोल्यूट मतलब होता है या तो 100% या तो 0%, इन दोनों के बीच के रेंज को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट पूरी तरह से माइक्रोऑर्गेनिज्म से फ्री है, 100% फ्री है, तभी वो स्टेरिलाइज कहलाएगा। अगर वो 98% 97% भी स्टेरिलाइज्ड है तो उसको हम स्टेरिलाइज नहीं मानेंगे। तो कह सकते हैं शॉर्ट में कि या तो 100% या तो 0%, इन दोनों के बीच की रेंज को एक्सेप्टेबल नहीं है इन केस ऑफ स्टेरिलाइजेशन का। स्टेरिलाइजेशन को अचीव करने के लिए काफी समय से प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। या तो हम किसी ऑब्जेक्ट को धूप में रख देते हैं या तो उसको हम बॉइल कर लेते हैं। ये काफी पुरानी प्रैक्टिस है। इन्हीं प्रैक्टिस के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए कई सारे मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट हुए हैं आज के डेट में, और बहुत सारे मेथड क्लासिफाई किए गए हैं जिसके यूज करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट से माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर हमने स्टेरिलाइजेशन मेथड को तीन मेन पॉइंट पर डिवाइड किया है। ये मेथड होंगे फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और हमारा तीसरा जो मेथड होगा वो होगा फिजियो केमिकल मेथड। आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल और फिजियोकेमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन विद पार्ट फंक्शन प्रिंसिपल एंड यूज ऑफ ऑटोक्लेव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के साथ। फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में हम कुछ चीजों को इंक्लूड करते हैं। ये सब पॉइंट या सब मेथड्स हैं सनलाइट, हीट, वाइब्रेशन, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। इनको यूज करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट से माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इनमें से खास खास की, तो ये सबसे पहला आता है सनलाइट। सनलाइट का सिंपल सा प्रिंसिपल है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो सन की जो हीट है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर को या वाटर के मॉलिक्यूल को इवोपरेट कर देता है और जिससे वो ऑब्जेक्ट ड्राई हो जाता है। ऑब्जेक्ट के ड्राई होने का एडवांटेज ये है इन केस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कि अब वो माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए सुटेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा जो कि पहले इवोपरेट होने से पहले उसको मिल सकता था, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए मॉइस्चर यानी कि वाटर का होना जरूरी है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट में मॉइस्चर है वो ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वो माइक्रोऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में स्पॉइल हो जाए। अगर हम उस ऑब्जेक्ट से मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हैं एनी हाउ, तो वो बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है कि अब वो माइक्रोऑर्गेनिज्म द्वारा स्पॉइल ना हो सके। तो ये सिंपल सा मेथड है स्टेरिलाइजेशन का। हालांकि इसकी लिमिटेशन ये है कि इसमें 100% माइक्रोऑर्गेनिज्म किल नहीं हो सकते, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड है कंट्रोल करने का। इसके बाद हम बात करते हैं हीट मेथड की। हीट मेथड के बाद हम बात करेंगे वाइब्रेशन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हीट का। हीट मेथड मतलब सिंपल और सबसे यूजफुल मेथड है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट प्रोवाइड कराते हैं और उस हीट के कारण से माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम किल कर सकते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म के फर्दर ग्रोथ या रिप्रोडक्शन को या रेप्लिकेशन को हम इनहिबिट कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से स्टेरिलाइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हीट मेथड को फर्दर कितने टाइप और कितने सब टाइप में डिवाइड किया गया है। हीट को अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे तो अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ मॉइस्चर, हम इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप होगा ड्राई हीट, दूसरा टाइप होगा मॉइस्ट हीट का। ड्राई हीट कहने का मतलब यह है कि ऐसा मेथड ऑफ हीट जिसमें हम हीट तो यूज करेंगे बट उसमें कोई भी मॉइस्चर या वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा, ऐसा मेथड कहलाता है ड्राई हीट मेथड। नाम से ही क्लियर है, ड्राई हीट मतलब होता है सूखा हीट, ड्राई जिसमें कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो। उसके एग्जांपल है रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन। पहले बात करते हैं हम रेड हीट की। रेड हीट में भी नाम से क्लियर है कि ऐसा हीट जो किसी भी ऑब्जेक्ट को तब तक हीट प्रोवाइड कराने के लिए अलाउ करें जब तक कि वो ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेंट हीट कन्वर्ट करके रेड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। सबसे सिंपल एग्जांपल है इसका हमारा इनोकुलेटिंग लूप। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आप इस एपरेटस से भलीभांति परिचित होंगे। ये इनोकुलेटिंग लूप का मेन काम होता है किसी भी मिक्स्ड कल्चर से किसी प्योर कल्चर को ट्रांसफर करने के लिए, किसी एक बैक्टीरिया को ट्रांसफर करने के लिए, एक कॉलोनी को ट्रांसफर करने के लिए इनोकुलेटिंग लूप का हम यूज कर सकते हैं। इनोकुलेटिंग लूप को यूज करने से पहले आपने ये प्रैक्टिस की होगी कि हम उस इनोकुलेटिंग लूप को उस फ्लेम के ऊपर तब तक रखते हैं जब इनोकुलेटिंग लूप का फ्रंट पॉट पूरी तरह से रेड हॉट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। उसके बाद उसको ठंडा करने के बाद हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह, एक पेट्री प्लेट से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह से हम रेड हॉट को यूज करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलरली यहां पर अगर हम बात करें तो इनोकुलेटिंग लूप को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा फ्लेमिंग। फ्लेमिंग मतलब होता है कि हम किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी सैंपल को या किसी भी अपरेटस ग्लासवेयर को फ्लेम के प्रोसेस में यूज करें, इनोकुलेट करें, ट्रांसफर करें, प्रिपेयर करें, मीडिया कल्चर प्रिपेयर करें, कोई भी चीज प्रिपरेशन होगी, इन
presence of different number of flame. अगर हम इस plate के जहाँ पे platform पे हम transfer करना चाहते हैं उसके surrounding में number of flame लगा दें और उसके बाद transfer करें तो वो microorganism की entry को बाहर से अंदर allow नहीं करता और वो जो transfer process आप कर रहे हैं वो पूरी तरह से microorganism से फ्री कंडीशन में या फ्री एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा फ्लेमिंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम. जैसे ये देखिए ये हमारा पेट्री डिश है, इसमें हमने मीडिया के अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म को यूज किया तो सबसे पहले हमने इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज किया रेड हीट से, देन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम हम इसको ट्रांसफर करते हैं या तो इसको स्पॉट करते हैं. तो ये दोनों मेथड हमने समझ लिया. तीसरा मेथड है इंसिनरेशन का. इंसिनरेशन मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को तब तक हीट प्रोवाइड करना जब तक कि वो उसका स्टेट चेंज ना हो जाए, जब तक कि वो सॉलिड मैटर ऐश में या राख में कन्वर्ट ना हो जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंसिनरेशन. हालांकि ये मेथड पूरी तरह से माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर देता है बट इसके यूज बहुत कम है. ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनका यूज एश में कन्वर्ट होने के बाद किया जा सके, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा. इसके अंदर हम बात करते हैं सिलेक्शन की, तो डिफरेंट मेटल्स हैं जिनका एश हमारे लिए यूजफुल है या उनके बर्न होने के बाद जो बचते हैं प्रोडक्ट वो हमारे लिए यूज है तो उसके लिए हम इस मेथड को सुटेबली प्रीफर कर सकते हैं. फिर हम बात करते हैं हॉट एयर ओवन की. तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट टूल्स कह सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी की या किसी भी फार्मास्यूटिकल साइंसेज की, जिसमें हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से किल करते हैं और ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से स्टरलाइज करते हैं. इसके पार्ट्स एंड फंक्शन हमने इस रफ डायग्राम से डिनोट करने का कोशिश किया है. आप बात करते हैं कुछ बेसिक पार्ट्स की. इस हॉट एयर वन में दो पार्ट होंगे, एक मेन कैबिनेट होगा जिसके अंदर हमको ऑब्जेक्ट को रख करके स्टरलाइजेशन करना है और दूसरा उसकी कुछ एक्सेसरीज होंगी. तो सबसे पहले उसका बात करते हैं बाहर चैम्बर की, जो कि एक डोर है. इस पे दो जैकेट होंगे, दो लेयर होंगे, एक इनर जैकेट और एक आउटर जैकेट. इन इनर और आउटर के बीच का जो स्पेस है उसको हम ऐसे टेम्परेचर सेंसिटिव सब्सटेंस से फिल करते हैं जो टेम्परेचर को अंदर और बाहर जाने से कंट्रोल करता है. मतलब थर्मोलेबाइल सब्सटेंस होते हैं, अंदर की हीट को बाहर जाने से रोक देते हैं और बाहर के कूल टेम्परेचर को अंदर जाने से रोक देते हैं. साथ ही साथ एयर पार्टिकल्स हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म बाहर में होंगे उनको भी अंदर जाने से रोकते हैं. तो ये हमारे एज अ इंसुलेटर का काम करते हैं. इसके ऊपर जो हैंडल है ओपन करने का, डोर का हैंडल है, वो स्पेसिफिक बॉल एंड बेयरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है. वो इस तरह से ओपन होते हैं कि एक्सीडेंटली भी वो ओपन ना हो सके, इनको आपको मूव करके ओपन करना होता है. हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट खास पॉइंट ये भी कहता है क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव द कंडीशन ऑफ स्टरलाइजेशन. इसके बाद हम बात करते हैं इनर पार्ट की. तो आप पाएंगे यहां पे नंबर ऑफ परफोरेटेड ट्रे होंगे जो डिपेंड करता है कि उसके साइज क्या है, हॉट एयर ओवन के साइज क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन से हैं. इन ट्रे का परफोरेट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परफोरेशन ही अलाउ करता है नीचे से हीटर द्वारा जनरेट हुए हीट को थ्रू आउट द चैम्बर यानी कि थ्रू आउट द हॉट एयर ओवन सर्कुलेट करने में. अगर परफोरेशन नहीं होगा तो केवल वही पार्ट गर्म हो पाएगा जो कि हीटर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में या नियर बाय कॉन्टैक्ट में होगा और वो हीट जो जनरेट होगी उसके ऊपर लेयर पे वो कम होगी और सफिशियंट नहीं होगी किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए. इसलिए परफोरेशन दिया गया है ताकि हीट थ्रू आउट द परफोरेशन पूरी चैंबर में सर्कुलेट हो सके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके और माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर सके. इसके बाद उसमें है हीटर जो कि हीट जनरेट करने का कोशिश करेगा. हीटर के पास में होता है थर्मोस्टेट जो कि ये टेंपरेचर को सेंस करने का काम करता है. अगर हमारा सेट किया हुआ जो स्विचेस हैं रेगुलेटर हैं इनके द्वारा सेट किए गए टेंपरेचर से अगर अंदर का टेंपरेचर ज्यादा होता है तो थ्रू टेंपरेचर सेंसिटिव डिवाइस दैट्स कॉल्ड थर्मामीटर इनके सेंस करने की वजह से और थर्मोस्टेट के सेंस करने की वजह से वो टेंपरेचर वहीं पे कट हो जाएगा, ऑटो कट के प्रिंसिपल पे काम करेगा और वहां पे वो टेंपरेचर उससे ऊपर नहीं जाएगा जितना आपने सेट किया है. इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर टेंपरेचर जितना आपने सेट किया है बंद होने के बाद वो नीचे जा रहा है तो वापस से सेंस करेगा इसको वापस से स्टार्ट करेगा. कुल मिलाकर के कहना यह है प्रिंसिपल यह है कि वो थर्मोस्टेट ये जो हमारा रेगुलेटरी डिवाइस है ये टेंपरेचर को उतना मेंटेन करके रखेगा जितना आपने रेगुलेटर से सेट किया हुआ है. इसके बाद इसमें एक वेंट होंगे जो डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर इस इंस्ट्रूमेंट के लेफ्ट साइड या टॉप पोजीशन पे हो सकता है. इसका काम यह है कि जब हम किसी डिवाइस की सहायता से अंदर के ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे, दिस इज ऑब्जेक्ट जिसको हमको स्टरलाइज करना है, जब हीट करेंगे तो इससे कुछ वेपर्स निकलेंगे, ये वेपर उस वेंट के थ्रू इस बॉडी से हॉट एयर की बॉडी से बाहर निकल सकें ताकि फर्दर कंटामिनेशन की पॉसिबिलिटीज को हम रोक सकें. तो ये बेसिक पार्ट्स एंड फंक्शन थे हॉट एयर ओवन के. इसके ऊपर पूरा डिटेल PDF नोट्स पार्ट्स एंड फंक्शन का हमने अपलोड कर दिया है हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी फेसबुक ग्रुप में जिसको आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं अगर डिफरेंट मेथड्स की तो हीट के बाद हम बात करेंगे मॉइस्ट हीट इंस्टॉलेशन मेथड की. हीट के दो टाइप हैं ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट. ड्राई हीट में बिना किसी मॉइस्चर के यूज करते हैं जबकि मॉइस्ट हीट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें हम मॉइस्चर को यानी कि वाटर के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं स्टरलाइजेशन को अचीव करने के लिए. ये ज्यादा पावरफुल होता है ड्राई हीट की तुलना में क्योंकि जब हम वाटर को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है और वेपर की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हीट के
कंडेंस फॉर्म से ज्यादा पावर होता है पेनिट्रेशन की, और ये ज्यादा अच्छे से माइक्रोजम के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है और माइक्रोजम के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन को ये कोएगुलेट कर देता है। हालांकि दोनों मेथड करते हैं बट मोया स्वीट ज्यादा कोएगुलेट करता है, जिसकी वजह से माइक्रोजम अपने प्रोटीन को यूज नहीं कर पाता और उनका जो फर्दर ग्रोथ है वो वहीं पर किल हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इसके तीन सब टाइप है मोया स्वीट स्टेलाइजेशन की। टेक्निक वन कहता है बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और तीसरा है अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तीनों में से कोई सी मेथड आप प्रीफर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माइक्रोजम प्रेजेंस इनसाइड योर सैंपल। क्योंकि माइक्रोजम को हमने बताया तीन टाइप के होते हैं, ऐसे माइक्रोजम जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रह सकते हैं और ऐसे माइक्रोजम जो बहुत कम यानी कि -degree centigrade पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द केस माइक्रोजम ऐसे भी होते हैं जो जनरल टेम्परेचर पे एनवायरमेंट टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द पॉसिबिलिटीज हम इनमें से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरे मेथड की जो कि है रेडिएशन मेथड। चलिए सबसे पहले हम इसकी लिमिटेशन की बारे में बात कर लें। जो हीट मेथड है उसके एडवांटेज भी हैं और कुछ लिमिटेशन भी हैं। एडवांटेज ये कहता है कि इससे माइक्रोजम को बहुत अच्छे से किल कर सकते हैं, जबकि डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ये है कि हम इनमें उन ऑब्जेक्ट को स्टेलाइज नहीं कर पाएंगे जो थर्मल यानी कि टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर के प्रेजेंस में वो स्पॉइल हो जाएंगे। तो ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिक अगर बात करेंगे ड्राई हीट की तो इनमें उन ऑब्जेक्ट को यूज नहीं किया जा सकता जो जिनमें बर्न होने की पॉसिबिलिटीज होगी, और ऐसे मॉइस्ट हीट की इसमें हम ऐसी चीजों को यूज नहीं करेंगे जो वाटर के प्रेजेंस में स्पॉइल हो सकते हैं। तो दोनों के वाइस वर्सा कुछ लिमिटेशन है और कुछ एडवांटेज है। अगला जो हमारा मेथड है वो है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड को हम कूल स्टेलाइजेशन मेथड भी कहते हैं, और रेडिएशन मेथड में हम दो तरीके या दो टाइप से यूज करते हैं। एक होता है नॉन आयोनाइजिंग, दूसरा होता है हमारा आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग में फर्क इतना है कि जो नॉन आयोनाइजिंग है वो आयोनाइजिंग की तुलना में कम पावरफुल होता है, या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जो आयोनाइजिंग मेथड ऑफ रेडिएशन है इट इज मोर पावरफुल देन नॉन आयोनाइजिंग मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन। क्योंकि इसकी जो पेनिट्रेशन पावर होगी और इसके अंदर जब माइक्रोजम के अंदर ये पेनिट्रेट करेगा तो उसके केमिकल स्ट्रक्चर उसके फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस को डिस्ट्रॉय करने की जो एबिलिटी है वो आयोनाइजिंग में एज कंपेयर टू नॉन आयोनाइजिंग ज्यादा होते हैं। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्फा वेव्स, एक्स रेज, गामा वेव्स, इनको हम इन आयोनाइजिंग मेथड के अंदर यूज करते हैं। अगला जो मेथड है स्टेलाइजेशन का वह है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है जो डेली लाइफ में फिल्ट्रेशन करते हैं, उसका प्रिंसिपल बिल्कुल वही है। फिल्ट्रेशन मतलब होता है उनको उनके साइज के अकॉर्डिंगली फिल्टर करना। जो साइज छोटा होगा फिल्टर मेम्ब्रेन के पोर साइज से छोटा होगा वो पास आउट हो जाएगा एज अ फिल्ट्रेट, और जो जिसका साइज बड़ा होगा वो एज अ रेसिड्यू ऊपर ही रह जाएंगे। इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम अर्थनवेयर, एस्बेस्टॉस, सिंटर्ड ग्लास और दूसरे डिफरेंट मेम्ब्रेन्स को यूज करते हैं, और इन मेम्ब्रेन का साइज इतना होता है कि वो माइक्रोजम इनके अंदर से पेनिट्रेट करके बाहर नहीं आ पाते। तो हम फिल्टर करने की वजह से माइक्रोजम को, क्योंकि उनका साइज तो इस फिल्टर के साइज से बड़ा होगा इसलिए वो ऊपर रह जाएंगे, और जो हमारा सब्सटेंस फिल्टर करने का लिक्विड सब्सटेंस है वो नीचे आ जाएगा फिल्टर के फॉर्म में। इनके साथ कंडीशन अप्लाइड ये है कि हम फिल्ट्रेशन का यूज केवल लिक्विड सब्सटेंस को स्टेलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड ही फिल्टर आउट हो पाएगा। और खासकर डिपेंड करता है मेम्ब्रेन का सिलेक्शन भी इन्हीं पे डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन का जो साइज है वो माइक्रोन में होगा, और कितने माइक्रोन में होगा ये डिपेंड करता है कि पॉसिबिलिटीज ऑफ माइक्रोजम कौन सा है। तो फ्रेंड हमने आज के इस व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन में बात किया बेसिक टाइप्स ऑफ स्टेलाइजेशन मेथड्स, कौन कौन से फिजिकल मेथड्स होते हैं और उनके रिस्पेक्टिव डायग्राम से उनको समझने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल और फिजियोकेमिकल मेथड्स ऑफ स्टेलाइजेशन की, साथ ही साथ हम डिटेल में बात करेंगे पार्ट्स, फंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चीज के यानी कि स्टेलाइजेशन के डिफरेंट मेथड के पार्ट एंड फंक्शन ऑफ ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है हमारे फेसबुक ग्रुप स्टेलाइजेशन फार्मेसी में। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके फाइल सेक्शन में जा सकते हैं और उस नंबर ऑफ पीडीएफ में से जो भी पीडीएफ आपके लिए यूजफुल होगा आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। देयर इज नो हिडन terms and condition, it is all absolutely free. Thank you very much for watching this video. Please stay supportive and stay connected. Thank you.